लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए सुभाष चौक के चारों ओर मानव श्रृंखला बनाई गई है। सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता कार्यक्रम स्वीप के तहत छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाई और लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया। शनिवार को मतदाता जागरूकता रैली के माध्यम से छात्र छात्राएं सुभाष चौक पर पहुंचे। छात्र छात्राओं ने हाथ में पोस्टर और झंडा लेकर मतदान के प्रति जागरूक किया। इस दौरान नारे भी लगाए गए। मानव श्रृंखला में छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों ने भी हिस्सा लिया। सुभाष चौराहे पर बनाई गई मानव श्रृंखला में शहर के ज्वाला देवी शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, GGIC इंटर कॉलेज सहित लगभग दर्जनों विद्यालयों के बच्चों ने भाग लिया। जिला प्रशासन के सहयोग से यह मानव श्रृंखला बनाई गई, जिससे लोग जागरूक हो और अपने घरों से निकलकर मतदान करें। आज मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ सिविल लाइन्स एरिया में और शहर भर में एक बड़ी मानव श्रृंखला आयोजित की गई है, बनाई गई है, जिसमें लगभग 10,000 से अधिक हमारे स्टूडेंट्स, 3,000 से अधिक वॉलंटियर्स, उन सभी ने प्रतिभाग किया है और सभी हम मिलकर ये प्रयास कर रहे हैं कि 25 मई को जब जनपद प्रयागराज में मतदान का दिवस है, उस दिन अधिक से अधिक लोग आकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। इस संबंध में एक स्वीप के अंतर्गत कार्यक्रम का यहाँ आयोजन किया गया है। आज एक अपील भी सभी लोगों से इसी माध्यम से की गई है कि हम सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलकर 25 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाएं। ओवरऑल कितने बच्चे हैं? देखिए, कुल मिलाकर जो सिटी के हमारे छात्र छात्राएं हैं, कुल मिलाकर लगभग 10,000 बच्चों की मानव श्रृंखला यहाँ पर बनाई गई। इसके अतिरिक्त साथ ही हमारे 3,000 से अधिक और अन्य वॉलंटियर्स भी इस मानव श्रृंखला का पार्ट रहे, भाग रहे, और कुल मिलाकर एक बड़ी मानव श्रृंखला इस पर्पज से बनाई गई है कि हम एक अच्छा मैसेज अपने मताधिकार का प्रयोग करने के संबंध में जनपद भर में दे सकें।